पी थे, जहां पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की गिरफ्तारी के प्रयास एक बार फिर से तेज हो गए। लेडी डॉन शाइस्ता और जैनब की तलाश एक बार फिर से तेज हो गई है। शाइस्ता जैनब की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी एक बार फिर से तेज गति से शुरू हुई है। चकिया और हटवा में देर रात से कई राउंड की छापेमारी वहां पर हुई है, कई टीमें वहां पर पहुंच गई। इससे इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शाइस्ता जैनब के करीबियों के घर की भी तलाशी ली गई है। एसपी के नेतृत्व में चार टीमों का यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था पूरी रात। जैनब फातिमा को हटवा में देखे जाने की सूचना मिली थी और उसके बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ इस पूरे इलाके में। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, एक इनपुट आई थी जैनब को लेकर, उसके बाद ये पूरी रात सर्च ऑपरेशन, और क्या जानकारी? देखिए, शाइस्ता और जैनब दोनों फरार हैं। कल पुलिस के कुछ अधिकारियों के पास ऐसे इनपुट आए कि वो हटवा इलाके में देखी गई है और इसी गांव में अतीक का चौथा और पांचवें नंबर का बेटा भी मौजूद है, क्योंकि दोनों को जवान जो बाल गृह है वहां से रिहा किया गया है, तो ऐसे में वो गांव में ही रह रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने इनपुट के आधार पर शाइस्ता और जैनब की तलाश में वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। एसीपी खुद मौके पर मौजूद रहे, जो गांव आने जाने वाले वाहन थे सबकी चेकिंग की गई, जो गाड़ियां जा रही थी वहां पर उसमें जो लोग शामिल थे, लोग बैठकर जा रहे थे, उनसे पूछताछ की गई। पूरे इलाके में देर रात तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा है। चूंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही है और साथ ही उनकी देवरानी जैनब भी फरार चल रही है, और जैनब का जो घर है वो हटवा इलाके में माना जाता है और अतीक का आधार भी इसी इलाके में बहुत मजबूत है। तो ऐसे में कई बार ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ पर अतीक के नेटवर्क से जुड़े लोग शाइस्ता और जैनब को पनाह दिए हुए हैं, वो उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी शाइस्ता और जैनब बेचना चाहती है उसमें भी मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस को ऐसी जानकारी मिल रही थी और कल जब ये जानकारी मिली उसके बाद एसीपी की अगुवाई में ये पूरा मूवमेंट चला है। जो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि हटवा इलाके के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर शाइस्ता और जैनब रात का फायदा उठाकर वहां पहुंच सकती हैं, तो वहां पर भी जल्द पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है, और जो अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द शाइस्ता और जैनब तक पुलिस पहुंच जाएगी। राकेश, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी। जहां पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की गिरफ्तारी के प्रयास एक बार फिर से तेज हो गए। लेडी डॉन शाइस्ता और जैनब की तलाश एक बार फिर से तेज हो गई है। शाइस्ता जैनब की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी एक बार फिर से तेज गति से शुरू हुई है। चकिया और हटवा में देर रात से कई राउंड की छापेमारी वहां पर हुई है, कई टीमें वहां पर पहुंच गई। इससे इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शाइस्ता जैनब के करीबियों के घर की भी तलाशी ली गई है। एसपी के नेतृत्व में चार टीमों का यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था पूरी रात। जैनब फातिमा को हटवा में देखे जाने की सूचना मिली थी और उसके बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ इस पूरे इलाके में। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, एक इनपुट आई थी जैनब को लेकर, उसके बाद यह पूरी रात सर्च ऑपरेशन, और क्या जानकारी? देखिए, शाइस्ता और जैनब दोनों फरार हैं। कल पुलिस के कुछ अधिकारियों के पास ऐसे इनपुट आए कि वो हटवा इलाके में देखी गई है और इसी गांव में अतीक का चौथा और पांचवें नंबर का बेटा भी मौजूद है, क्योंकि दोनों को जवान जो बाल गृह है वहां से रिहा किया गया है, तो ऐसे में वो गांव में ही रह रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने इनपुट के आधार पर शाइस्ता और जैनब की तलाश में वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। एसीपी खुद मौके पर मौजूद रहे, जो गांव आने जाने वाले वाहन थे सबकी चेकिंग की गई, जो गाड़ियां जा रही थी वहां पर उसमें जो लोग शामिल थे, लोग बैठकर जा रहे थे, उनसे पूछताछ की गई। पूरे इलाके में देर रात तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा है। चूंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही है और साथ ही उनकी देवरानी जैनब भी फरार चल रही है, और जैनब का जो घर है वो हटवा इलाके में माना जाता है और अतीक का आधार भी इसी इलाके में बहुत मजबूत है। तो ऐसे में कई बार ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ पर अतीक के नेटवर्क से जुड़े लोग शाइस्ता और जैनब को पनाह दिए हुए हैं, वो उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी शाइस्ता और जैनब बेचना चाहती है उसमें भी मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस को ऐसी जानकारी मिल रही थी और कल जब ये जानकारी मिली उसके बाद एसीपी की अगुवाई में ये पूरा मूवमेंट चला है। जो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि हटवा इलाके के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर शाइस्ता और जैनब रात का फायदा उठाकर वहां पहुंच सकती हैं, तो वहां पर भी जल्द पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है, और जो अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द शाइस्ता और जैनब तक पुलिस पहुंच जाएगी। राकेश, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए। मनीष बता रहे थे किस तरीके से जैनब को लेकर एक इनपुट आता है, उसके बाद यह पूरा सर्च ऑपरेशन ऑन होता है हटवा के इलाके में। आगे रुक करते हैं एक और बड़ी खबर।